हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज कर्मियों ने धरना देकर की गेट मीटिंग। जोधपुर में रायका बाग बस स्टैंड पर संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं सेवा नेतृत्व कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को एक दिवसीय धरना और गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। महासंघ की जोधपुर शाखा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह चंपावत ने बताया कि संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार द्वारा रोडवेज कर्मचारी हितों के साथ उदासीन रवैया के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की है। इसके तहत प्रथम चरण में आगार स्तर पर शुक्रवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज रायका बाग बस स्टैंड पर धरना देकर गेट मीटिंग की गई। गेट मीटिंग को राष्ट्रीय मंत्री एवं परिवहन प्रभारी राज बिहारी शर्मा, गोपाल शर्मा और आनंद सिंह निहाल सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इसके बाद रोडवे प्रबंधन को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि आंदोलन की अगली कड़ी में 4 सितंबर को सिंधी कैंप जयपुर पर अनिश्चितकालीन धरना, 5 सितंबर को प्रदेश स्तरीय रैली जयपुर में, 6 सितंबर से 12 सितंबर तक क्रमिक अनशन और 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।